नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेएमडी न्यूज की खास पेशकश शुभ नवरात्रि में, जहां मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पंडित पवन तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, वासंतिक नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में अगर सभी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि माता को प्रसन्न करें और जो भी मुसीबतें उनके जीवन में हैं उसको दूर करें और अपने परिवार को सुखी व सुरक्षित रखें, समृद्धि को प्राप्त करें, लेकिन अगर इस बीच की बात की जाए तो इस वक्त खतरा सबके सिर पर मंडरा रहा है, एक वायरस का, कोरोना वायरस का खतरा हम सभी के बीच में है। और ऐसे में पंडित जी, क्या लगता है किस उत्साह से हम मना पाएंगे इस त्यौहार को? क्या उदास होने की जरूरत है, क्या घबराने की जरूरत है, इस पर मां की कृपा नहीं बरसेगी हम पर? नंदिनी जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है, समय अनुकूल प्रश्न है। और भौतिकवाद की बात करें, भौतिक समय की बात करें तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहले अपने दर्शकों को वासंतिक नवरात्र और नववर्ष, जो हमारा संवत्सर का नववर्ष है, हिंदू नववर्ष है, इसकी अपनी तरफ से, अपने शहर की तरफ से, अपने चैनल की तरफ से, अपने शहरवासियों, अपने प्रदेशवासियों, अपने देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि ये है नव संवत्सर, ये वासांतिक नवरात्र, माँ दुर्गा आपके घर आवें तो सुख समृद्धि शांति। और जैसे कि अभी आपने एक प्रश्न किया कि जैसे कि कोरोना वायरस का ये जो संक्रमण हमारे विश्व स्तर पर फैला हुआ है, देश स्तर पर भी फैल रहा है, तो ऐसी उम्मीद करें, ऐसी आशा भी हम भी करते हैं। हम ज्योतिषी हैं, ज्योतिष भी कहता है और धर्म भी हमारा इसी की ओर इंगित करता है कि ये जो वासंतिक नवरात्र है, इन नौ दिनों में इस वायरस, इस संक्रमण पर हमारा देश पूरी तरीके से काबू पा लेगा और इसको कहीं ना कहीं हम इस पर सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद की बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही पंडित जी। और मैं आपको बता दूं कि उम्मीद तो वाकई में बहुत है श्रद्धालुओं में, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अब माता रानी आ गई हैं, वायरस चला जाएगा, कोरोना वायरस चला जाएगा। किस तरीके से जाएगा ये वायरस? क्या मंदिरों में भीड़ लगाने से जाएगा, या फिर हम घर पर सुरक्षित रहें और घर पर ही पूजा अर्चना करें तब हम खुद को और अपनों को सुरक्षित रख पाएंगे? माता रानी कैसे प्रसन्न होंगी? देखिए नंदिनी जी, बहुत अच्छी बात की है आपने, मंदिरों पर भीड़ लगाने से वायरस नहीं जाएगा। आपको अपने घर पर सच्चे मन से और पूरे परिवार के साथ माँ दुर्गा की उपासना करनी होगी, बड़ी शुचिता के साथ, बड़ी शुद्धता के साथ, क्योंकि नवरात्र का व्रत प्रत्येक घर पर, हम आशा करते हैं कि लगभग प्रत्येक घर पर कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो नवरात्र का व्रत अवश्य करता होगा जी। जिसके चलते हमारे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में कम से कम प्रत्येक घर पर सफाई की व्यवस्था, शुद्धता की व्यवस्था इन नौ दिनों पर अत्यधिक होने वाली है। तो ये संक्रमण का वायरस चाहे जितना तेज हो, लेकिन इन नौ दिनों पर अपने को, इस भारत ने, इस भारत को अपना घर नहीं बना पाएगा, यहां से उसे जाना ही पड़ेगा। दूसरी बात, इन नौ दिनों पर आप अपने घर पर ही रहें, अच्छे से रहें। यह बहुत अच्छा संकेत है हमारे सनातन धर्मियों के लिए कि आपको बड़े आराम से, इत्मीनान से अपने घर पर रह करके मां दुर्गा की आराधना करने का समय प्राप्त हुआ है। इसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद प्रेषित करें, मां दुर्गा को धन्यवाद प्रेषित करें। आप अपने रोजमर्रा दिनचर्या में जितना उहा पोह में रहते थे, भाग दौड़ पे रहते थे, जिसके चलते कहीं ना कहीं आप चाह करके भी भगवान, देव, आराध्य, अपने इष्ट को व इष्ट के पास, उसके सानिध्य में बैठ करके न मंत्र जाप कर पाते थे, ना ही दुर्गा सप्तशती का पाठ कर पाते थे। भले ये कोरोना वायरस के भय से भारत बंद, प्रदेश बंद, देश बंद, लॉकडाउन, ऐसी जो तमाम समस्याएं हैं, इनके चलते कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप घर पर रहें और माँ दुर्गा की पूरे मन से, सच्चे मन से आराधना करें। और इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। आप भक्ति से, आप भाव से जो भी सामग्री आपके घर पर उपलब्ध है, उस यथा सामग्री को माँ दुर्गा की पूजा में प्रयोग करें। उसके लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि आप बाहर जाएं, बाहर निकलें
और बाहर से ही जब कुछ लाएं अच्छा, तभी आपकी पूजा सफल हो सके। जो प्रयोग की चीजें हैं, जो मिल रही हैं, उन्हीं को कहीं ना कहीं प्रयोग में लेकर के माँ दुर्गा की आराधना करें, पूजा करें और बड़े सच्चे मन से देश हित के लिए, क्यों, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय और सर्व रोग निवारण की भावना से जब आप अपने घरों पर बैठ करके माँ दुर्गा की आराधना पूजा इस नव संवत्सर के नवरात्र के प्रथम दिन से करेंगे, तो आप पे पूर्ण विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि इन आने वाले 9 दिनों में कोरोना जैसा वायरस देश से बाहर खड़ा होगा। तो पूरा विश्वास है आपको भी, और बहुत ही व्यवहारिक तरीके से आपने समझाया कि क्या कुछ हमारी गतिविधियां होंगी इन नवरात्रि के दिनों में और किस तरह से ये वायरस हमारे देश से, हमारे घर से ही नहीं, हमारे देश से भी बाहर होगा। देखिए, नवरात्रि में होता है घट स्थापना का बड़ा महत्व होता है, शुरुआत ही इसी से की जाती है। साथ ही आप ये भी कह रहे हैं कि जो भी सामग्री हमारे पास है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, इतना जरूरी नहीं है। तो किस तरीके से घट स्थापना की विधि बताएं, किस तरह से हम करेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि घट स्थापना जैसे कि नवरात्र में की जाती है, बहुत सारे लोग घट रखते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी रखते हैं, लेकिन आप अगर घट रखते आ रहे हैं, आपके घर पे कलश स्थापना होती आ रही है, आचार्य के माध्यम से होती आ रही है, तो इस बार की कुछ ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए अगर आपके घर आचार्य नहीं आ सकता है तो आप किस तरीके से घट स्थापना करें ये जाने। दूसरी बात, अगर आपको वो सामग्री नहीं प्राप्त हो पा रही है, वो सामग्री उपलब्ध नहीं हो पा रही है जो कि पूजा में आप लेते थे, प्रयोग करते थे, तो जो सामग्री आपको सुविधा से प्राप्त हो जाए, अगर ना प्राप्त हो जाए तो हम जिस घर में रहते हैं जिसको गृहस्थ जीवन कहा जाता है, उस गृहस्थ जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं है कि हम पूजा को संपादित ना कर सकें, वो सारी चीजें हमारे घर पर उपलब्ध होती हैं, मौजूद होती हैं, बशर्ते हमें कुछ सोचना पड़ता है। जैसे अगर आप मिट्टी का कलश व मिट्टी का सकोरा व मिट्टी का नीचे रखने वाला पात्र जिस पर कि आप ज्वारे बोते हैं नहीं ला पा रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि हम घट स्थापना कैसे करें, ये सामग्री नहीं मिलेगी तो आप घट कैसे रखेंगे। आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप अपने घर में कोई बढ़िया सा कटोरा स्टील का ले लें जिस पर कि अपने गमले से मिट्टी निकाल करके भर लें, बालू हो उपलब्ध हो तो बालू रख लें और उस पर जवारे बोएं। कलश की जगह आपके घर में अगर कोई धातु का लोटा हो, और अगर धातु का लोटा ना हो तो स्टील का लोटा हो, उस लोटे में मौली बांध लें और मौली बांधने के बाद उस पर बढ़िया स्वास्तिक का चित्र स्वास्तिक बनावें, और रोली से, अगर रोली भी आपके पास नहीं है तो आपको करना होगा कि चूना और हल्दी, हल्दी और चूने का टीका बनता था, बहुत पौराणिक चीज है और इसका प्रभाव भी बहुत अच्छा होता है हल्दी और चूने के टीके का। तो हल्दी और चूने के टीके से बढ़िया सा स्वास्तिक बना करके और उस पर गंगा जल व शुद्ध जल से उस कलश को पूरित करते हुए उस कटोरे पे जिसपे कि आपने जौ बोए हैं वो कलश रख देंगे, ऊपर से पात्र कटोरी रख देंगे और उस पर अन्न भर करके, जौ चावल जो भी अन्न है आपके पास, उस अन्न को पूरित करके उसके ऊपर नारियल रखें। इसके पश्चात आप विधि विधान से भगवान गणेश जी का पूजन करेंगे और माँ गौरी की आराधना करेंगे, साथ ही यज्ञोपवीत जी कलावा। कलश से बिल्कुल, बहुत अच्छे से आप विधि बता रहे हैं, और भी तमाम बातें हम पंडित जी से विस्तार से जानेंगे। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मचाइएगा। धनवंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NAPH द्वारा प्रमाणित, दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU, कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट,
कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन्ड शेफ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट ग्रैंड गीत होटल द मॉल कानपुर। आपका स्वागत है और आप जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको नवरात्रि किस तरह से हम मनाएं, इस बार खास इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस का है संकट और क्या कुछ घर में सामग्री हमारे हो, किस तरह से उन्हीं का हम उपयोग करके माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। इसी कड़ी में पंडित जी, जैसा कि आप हमारे दर्शकों को बता रहे थे कलश स्थापना के बारे में, कलश स्थापना की पूरी विधि में चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जैसा कि हमने कलश स्थापना के बारे में नंदिनी भी अपने दर्शकों को बताया कि कौन सी सामग्रियां जो कि आप बाहर से नहीं ला सकते हैं, अगर या नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में जो घर पर उपस्थित सामग्रियां हैं, जो बर्तन हैं, उनका प्रयोग करके आप माँ दुर्गा की उपासना और कलश स्थापना कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, ये जो माँ दुर्गा का बीज मंत्र है, माँ दुर्गा जी का प्रसन्न करने का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप व पूजन करें तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और अगर इससे भी समय बढ़ रहा हो, इसके बाद भी अगर आप कुछ आराधना करना चाहते हो, तो गायत्री मंत्र व महामृत्युंजय मंत्र का भी आप जप करें। इससे इस संसार में, इस विश्व में ये जो दैवी आपदा आई है या इसका जो प्रकोप बढ़ रहा है, पनप रहा है, इन मंत्रों के द्वारा यह समाप्त होगा। क्योंकि मंत्र शक्ति सर्वोपरि मानी गई है जी। मंत्रों में, मंत्रों के ध्वनि में, मंत्रों के अनुस्वार में और मंत्र में वह शक्ति है जो इस अखंड ब्रह्मांड को जागृत कर सकती है। और ये जो वायरस है, विषाणु है, ये जो रोग हैं, इनका शमन करने में बहुत बलिष्ठ है। अगर नंदिनी हम पूर्व काल की बात करें तो एक कथानक हमें याद आ रहा है। अच्छा, जैसे कि दुर्गा सप्तशती में रक्तबीज का नाम सुना होगा आपने। हाँ, जी। रक्तबीज का संहार माँ दुर्गा ने किया था। ठीक उसी तरीके से महामारी इस समय हमारे देश में फैली है। रक्तबीज का क्या था कि अगर उस राक्षस का रक्त एक भी बूंद पृथ्वी पर गिरता था तो वहीं रक्तबीज का जन्म हो जाता जी था। जितनी बूंदें उतनी जितने ही बूंद उतने ही राक्षस की उत्पत्ति होती थी। तो ठीक उसी प्रकार से ये कोरोना वायरस कि जो इसके संक्रमण वाला व्यक्ति है, उसके संपर्क में जो भी व्यक्ति आएगा, उसको ये वायरस अपना मुंह कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। तो जब रक्तबीज का संहार करने में माँ शक्ति जगदम्बा परांबा माँ दुर्गा ने उस रक्तबीज का संहार कर दिया था, तो अपने भक्तों की रक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य रक्षा के लिए या विश्व कल्याण के लिए, सर्वजन सुख के लिए माँ दुर्गा इस नवरात्र में 9 दिन अगर आप माँ दुर्गा की सच्चे मन से आराधना करते हैं, स्वच्छतापूर्ण ढंग से आराधना और उनकी निष्ठा से आराधना करते हैं, तो आप विश्वास मानेंगे दर्शकों कि माँ दुर्गा ठीक रक्त बीज की तरह इस वायरस को पूरे संसार से नष्ट कर देंगी। तो यानी कि जो हमारे श्रद्धालुओं की ये भावना है कि अब माता आ रही हैं, वायरस चला जाएगा तो किस तरह से जाएगा, ये पंडित जी आपको बता रहे हैं। यानी कि मंदिरों पर भीड़ लगाने से वायरस नहीं जाएगा, भीड़ में घुसने से वायरस नहीं जाएगा, बल्कि वायरस जाएगा घर में जो भी मौजूदा सामग्री है आपकी, उसका उपयोग कर माता रानी को प्रसन्न करने के। बिल्कुल सही बात है ना। इसलिए चूंकि मंदिरों में भीड़ क्यों ना लगाएं, आप जब मंदिर जाते हैं, जैसे कि हम अक्सर देखते हैं, प्रत्येक वर्ष हम ये बात कहते हैं अपने भक्तों से
कि आप जब मंदिर जाते हैं तो आप उस भीड़ का हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं, उस मेले का हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं? बिल्कुल, आपको अगर आस्था है, माँ दुर्गा से आस्था है या किसी देवता से आस्था है, तो वो आस्था आपके हृदय पर होनी चाहिए। जैसे कि पूर्व में भी हमने कहा था कि अवश्य में उपभोक्तव्यम कर्म शुभाशुभम, गीता में कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति, भगवान ने कहा है कि आपके अंदर भक्ति है, भाव है, श्रद्धा है, तो आप हमें जो भी कुछ समर्पित करेंगे या ईश्वर को जो भी कुछ समर्पित करेंगे, ईश्वर उसे सहर्ष स्वीकार करेगा और आपको लाभ देगा। तो आप प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप घर पर रहें, स्वच्छ रहें, पूरे मनोयोग से व्रत का पालन करें और माँ दुर्गा की उपासना करें। माँ दुर्गा जगदम्बा पराम्बा इस आदि शक्ति हैं वो, और इस सृष्टि का पालन भी करती हैं। तो आप उनसे प्रार्थना करें कि ये जो महामारी फैली हुई है या जो ये कठिन दौर हमारी भारत में आया है, हमारी सांस्कृतिक देश भारत हमारी संस्कृति पर आया है और हम इतने पौराणिक सांस्कृतिक होते हुए भी इस वायरस पर कैसे काबू पाएं, तो इसका भी बहुत अच्छा समय है। ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, जो कहावतें हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं तो कहीं ना कहीं वो ठीक साबित हो रही हैं कि जिस समय हम लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसे माहौल पे आ रहे हैं तो वो समय माँ दुर्गा की आराधना का है। तो इस कर्फ्यू जैसे समय का भी आप सदुपयोग कर सकते हैं अपने घर पर रह करके माँ दुर्गा की उपासना करके। बहुत ही सकारात्मक पक्ष रखा आपने इस स्थिति का, इस समय हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं और सकारात्मक सोच सकते हैं। देखिए भागम भाग की इस जो हमारी दिनचर्या हो चुकी है, जीवन शैली हो चुकी है, ऐसे में अब हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि इतने दिन हम घर रह करके माँ की आराधना कर पाएंगे। ऐसा लगता था अब हमारी किस्मत में ये कहा, लेकिन ये आ चुका है। और अच्छी बात यह है कि व्यवहारिक तौर पर आप अगर उसी तरीके से पूजा अर्चना करेंगे जैसे पंडित जी बता रहे हैं तो वायरस भी ना सिर्फ आपके घर से बल्कि इस देश से जाएगा। तो लेकिन पंडित जी बड़े बड़े महोत्सव जो आयोजन है वो किए जा चुके हैं इस बीच में, सिर्फ वजह यही है कोरोना वायरस का संक्रमण इसे रोका जा सके, लेकिन हमें क्या कुछ रद्द करने की जरूरत है? हम ऐसा क्या कुछ करते हैं हर बार जो इस बार ना करें वायरस के संक्रमण के चलते? जैसे कि पहली बात अगर मैं आपसे कहना चाहूंगी, फूल चढ़ाते हैं माता रानी को, कहां कहां से पता नहीं किस तरीके से आते होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि इन फूलों को शायद रोक देना चाहिए इस दौरान, गलत हूं तो मुझे बताएं। देखिए ऐसा है, इस वायरस के चलते फूलों को रोकने की बात इसलिए संभव है कि आप बाजार जाएं और वहां से फूल खरीद करके लाएं या बाजार पर कहीं से फूल आए या घर पर भी अगर आते आप हैं, उस फूल को उस फूल का प्रयोग ना करें, क्योंकि क्या पता कि ये जो संक्रमण है वो पुष्प के द्वारा ही आपके घर आ जाए और उससे आप पीड़ित हो जाएं। अगर आपको बहुत श्रद्धा है माँ जगदम्बा माँ पराम्बा को पुष्प अर्पित करने की, बड़ी श्रद्धा है, बड़ा भाव है जी, तो आप बाजार से खरीदने की अपेक्षा आप अपने गमलों में, आप अपनी क्यारी में व आसपास पार्क में जो पौधे लगे हुए हैं अगर उन पर कुछ पुष्प हों तो उन कुछ पुष्पों को आप अपने हाथ से चुन करके लाएं और उन्हें बढ़िया सा स्वच्छ करके माँ दुर्गा को अर्पित कर सकते हैं। दूसरी बात, अध्यात्म में कहा गया है कि भगवान को आप मानसिक पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं, मन से पूजा करें। अगर आप मन से पूजा करेंगे तो उस पर ना पुष्प की आवश्यकता है, ना फल की आवश्यकता है, ना बाह्य आडंबर की आवश्यकता है। और ये मानसिक पूजा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये जो आप मानसिक पूजन करेंगे माँ भगवती जगदम्बा पराम्बा का, ये मानसिक पूजन बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा कारगर साबित होगा और बहुत ही लाभप्रद होगा, जो आपके जीवन में खुशियां तो लाएगा ही लाएगा, साथ ही आपके पड़ोसी के जीवन में, आपके शहर के जीवन में व आपके देश व पूरे विश्व इस ब्रह्मांड के जीवन में बहुत खुशियां लेकर के आएगा। इसलिए आप मन से माँ जगदम्बा का पूजन करें, मन से मानसिक पुष्प अर्पित करें, मानसिक अच्छे अच्छे भोग माँ दुर्गा को अर्पित करें, इससे भी माँ दुर्गा प्रसन्न होंगी और उनका ज़्यादा से ज़्यादा जप करें उनके मंत्रों का, और हो सके तो एक माला
महामृत्युंजय की और एक माला महामंत्र जो गायत्री मंत्र कहा गया है उस महामंत्र की जप करें और जिसका कि फल ऐसा मन में कामना करें कि ये जो महामारी फैली हुई है पूरे विश्व में ऐसे सभी देशों के लिए या इस महामारी से ऐसे लाखों लाख लोग जो ग्रसित हुए हैं उनके जीवन की रक्षा के लिए उन एक एक माला का जप ऐसे प्राणियों को भी प्रेषित हो, ऐसी कामना के साथ आप अपने घर पर अगर बैठ करके माँ जगदम्बा के सामने ऐसी प्रार्थना करते हैं तो ये आप जान लें कि आप बहुत बड़ी मानव सेवा का कार्य करेंगे। इससे माँ दुर्गा ही नहीं सभी देवी देवता प्रसन्न होंगे और आप जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। तो यही हम चाहते हैं और यही हमारा डर था कि क्या इस बार वायरस की वजह से हम उस तरीके से पूजा नहीं कर पाएंगे जैसे हर बार करते थे, क्या इस बार हम उस तरीके से माँ को प्रसन्न करके अपनी मन वांछित कामनाओं की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे जैसे हर बार करते थे। तो स्थितियां भले ही अलग हों लेकिन अभी भी सब कुछ सकारात्मक तौर पर, पंडित जी आपने बताया बहुत अच्छी अच्छी बातें कही आपने, लेकिन नवरात्रि का जो ये उत्सव है महोत्सव, शक्ति संचयन का ये उत्सव, ये हवन के बिना तो संपन्न होता ही नहीं। हवन और अग्नि का बड़ा ही महत्व होता है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, ये किस तरह से मदद करेगा हमारी? देखिए बहुत अच्छी बात आपने कही है, दर्शक जान लें हमारे कि हवन का वैज्ञानिक महत्व बहुत है। हवन में वो शक्ति है, वो आध्यात्मिक शक्ति है, वो ऊर्जा है कि बड़े से बड़े कष्ट, बड़े से बड़े रोगों में लड़ने की शक्ति है, रोग प्रतिरोधक शक्ति है। घृत की आहुतियां दें जी, और अगर उपलब्ध सामग्री आपके पास है तो आप अपने घर पर गूगल अवश्य जलावें हो सके तो, और अगर कुछ ना हो तो लौंग और कपूर से माँ दुर्गा की प्रत्येक दिन सुबह और शाम आरती अवश्य करें जो कि आपके घर के वातावरण को बहुत अच्छा करेगा, बहुत ठीक करेगा। जैसे कि आप हवन की बात कर रही थी जी, तो हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि आपको बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बहुत सारे घर होंगे कि जिनके यहाँ काले तिल, जौ और चावल होंगे। अगर आपके घर पे तिल, जौ और चावल हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि आपको मार्केट जाना पड़ेगा, हवन सामग्री कहाँ से मिलेगी, कैसे उपलब्ध होगी, आप हवन नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप तिल, जौ और चावल की समुचित मात्रा लेकर के उस पर थोड़ा सा देसी घी, चीनी व गुड़ मिला करके, ये शुद्ध हवन सामग्री है, और पंचमेवा डाल करके इस शुद्ध हवन सामग्री से अगर हवन करेंगे तो हमारे प्राकृतिक वातावरण को बहुत बल मिलेगा, प्रकृति को बहुत बल मिलेगा। और अगर गिलोय मिल जाए, गिलोय आप जानती होंगी जी, अगर गिलोय मिल जाए तो उस गिलोय से रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तो कामान शकलान अभीष्टान, निम्न मंत्र दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगा आपको, सप्त श्लोक की दुर्गा में। सबसे पहले जो सात श्लोक हैं उनका ये श्लोक है, इस श्लोक से 11 बार उस गिलोय को घृत में डिबो करके हवन करने से ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला मंत्र है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। इस यज्ञ में जो सम्मिलित होगा या इस यज्ञ का धुआं जहां जहां पहुंचेगा वहां की पूरे वायुमंडल में जो लोग इसके संपर्क में आएंगे ऐसे सभी लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, उन्हें रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान होगी। तो आप अपने घर पर इस तरीके से हवन अवश्य करें। तो यानी किसी भी तरह की विघ्न और बाधा नहीं है जो इस वक्त की स्थितियां हैं उसको लेकर के। पंडित जी चलते चलते कोई संदेश खास जो आप हमारे दर्शकों को इस मौके पर देना चाहें? एक ही संदेश है हमारे दर्शकों के लिए, जैसे कि इस समय आपातकाल की स्थितियां हैं, अभी पूर्व में आपने देखा, आपने किया भी होगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक संबोधन किया देश के नाम, जिसके चलते पूरे देशवासियों ने उनका समर्थन किया। कैसे किया? शंख घंटा ताली बजा करके, घंटी बजा करके। इसका अभिप्राय आप जानते नहीं हैं, इसका बहुत बड़ा अभिप्राय है, वैज्ञानिक और ज्योतिष की दृष्टि में बहुत महत्व रखता है। जब हमारे संसार में आपत्ति आती है तो हम ईश्वर से आराधना करते हैं,
और ईश्वर से आराधना करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, ईश्वर आराधना को कैसे सुनता है। जब देवताओं पर आपत्ति विपत्ति आती थी तो अपने इष्ट के पास जाते थे तो शंख बजाते थे, घंटी बजाते थे और शंखद ध्वनि वेद मंत्र पढ़ते थे, जिससे कि देवता उस आर्त भावना को सुनकर के उन पर संतृप्त होते थे। तो मोदी जी ने जो ये कार्य करवाया है आप सभी के द्वारा, आप सभी की भावनाओं से ओतप्रोत है, जिसका कि बहुत लाभ होगा। रही दूसरी बात कि यह कार्य आपने रविवार को किया था। रविवार का स्वामी जो है वो होता है सूर्य, और इस वायरस को मारने में अगर सबसे ज्यादा शक्तिशाली कोई ग्रह है तो वो है सूर्य। जैसे कि ज्योतिष की तमाम गोष्ठियों पर हमने तमाम चैनलों पर भी ये बात कही है कि जब 13 अप्रैल को सूर्य अपनी उच्च राशि मेष पर आएंगे, इस वायरस का अंत होना शुरू हो जाएगा। तो आपने जिस समय शंखद ध्वनि की, घंटी की ध्वनि की, तालियों की ध्वनि की, इससे एक जो ऊर्जा उत्पन्न हुई वो सूर्य की ऊर्जा से संचालित हुआ हमारा ब्रह्मांड, जिससे कि इस पर रोक लगी, इसको हमने रोक दिया वहीं से इसके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी। लेकिन अभी भी ये वायरस उस दीवार को फांद करके हमारी तरफ ना आ जाए, इसके लिए हमें आगे भी लड़ना है। तो दीवार अभी छोटी है, दीवार को अभी और ऊंचा, दीवार को बढ़ाने के लिए जो 9 दिन का समय आया है नवरात्रि का, इस 9 दिन के समय का सदुपयोग आप करेंगे, घर पर रहेंगे, शुचिता का पालन करेंगे, शुद्धता का पालन करेंगे और धर्म का पूरे मनोयोग से निर्वाह करते हुए इस प्रकृति की और इस संसार के, इस मानव जाति के लिए आप माँ भगवती से प्रार्थना अवश्य करेंगे। हम भी कर रहे हैं, आप भी करें और इस क्रम को, इस कड़ी को जोड़ते चलें और इस आपदा से बचने के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करें, और आशा करते हैं कि आप सभी ऐसा अवश्य करेंगे, जिससे कि माँ भगवती हम पर, आप पर और इस पूरी सृष्टि पर अपनी दया दृष्टि रखेंगी और ऐसे तमाम वायरस भी हमारे इस सृष्टि का, हमारे इस देश का, हमारे सनातन धर्मियों का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। पंडित जी बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, मुझे उम्मीद है कि दर्शक इन जानकारी से जरूर लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो इसी के साथ ही ये हमारा खास कार्यक्रम जिसके जरिए हमने आप तक पहुँचाई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको वासंतिक नवरात्रि की। नमस्कार। For a sizable reduction in the policy repo rate and for maintaining the accommodative stance of monetary policy as long as necessary to revive growth, mitigate the impact of COVID-19 while ensuring that inflation remains within the target. While there were some differences in the quantum of reduction, the MPC voted by a 4-2 majority, that is by a 4-2 majority, to reduce the policy repo rate by 75 basis points to 4.4%. I repeat, the rate cut decision is 75 basis points, and accordingly the repo rate stands reduced from 5.15% to 4.4%. Simultaneously, the fixed rate reverse repo rate, which sets the floor of the liquidity adjustment facility, that is the LAF corridor, was reduced by 90 basis points. I repeat, 90 basis points to 4%, thus creating an asymmetrical corridor. The purpose of this measure relating to reverse repo is to make it relatively unattractive for banks to passively deposit funds with the Reserve Bank and instead to use these funds for on lending to the productive sectors of the economy. It may be recalled that during the month of March so far, the banks have been parking close to rupees 3 lakh crore on a daily average basis under the reverse repo, even as the growth of bank credit has been steadily slowing down. This decision
and the advancement of the MPC has been warranted by the disruptive force of the coronavirus. It is intended to, one, mitigate the negative effects of the virus, two, to revive growth, and above all, number three, to preserve financial stability. We are living through an extraordinary and unprecedented situation. Everything hinges on the depth of the COVID-19 outbreak, its spread and its duration. Clearly, a war effort has to be mounted and is being mounted to combat the virus, involving both conventional and unconventional measures in a continuously battle-ready mode. Life in the time of COVID-19 has been one of unprecedented loss and isolation. Yet, it is worthwhile to remember that tough times never last. Only tough people and tough institutions do. In the recent period, Reserve Bank has been in action on a daily basis with efforts to alleviate financial stress, build confidence, and keep the financial system sound and functioning. And we have taken a number of steps over the last 1 month or so since the conclusion of the last MPC meeting. In my statement, I have listed out the measures which have been taken. For the sake of time, I am not reading it out. Once the statement is uploaded, I think those who are interested can have a look at it. Let me assure that the Reserve Bank is at work and in mission mode, monitoring the evolving financial market and macroeconomic conditions and calibrating its operations to meet any need for additional liquidity support as well as to undertake other measures as may be warranted. It is our effort to ensure normal functioning of the markets, nurture the impulses of growth, and preserve, I repeat, and preserve financial stability. Incidentally, we have in RBI quarantined 150 members of our staff and service providers together with the IT facilitators and the entire IT facility as a part of our business continuity plan. The plan was prepared and executed in a matter of days. The MPC noted that global economic activity has come to a near standstill as COVID-19 related lockdowns and social distancing are imposed across a widening swath of affected countries. Expectations of a shallow recovery in 2020 from 2019's decade low in global growth have been dashed. The outlook is now heavily contingent upon the intensity, spread and duration of the pandemic. There is a rising probability that large parts of the global economy will slip into recession. Turning to growth in India, the implied GDP growth of 4.7% in Q4 of 2019-20 in the second advance estimates of